गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था पवने। क्या चल रहा था? पवने। और पवने हमने बताई थी तीन। कितनी बताई थी? तीन पवने बताई थी। पहली थी स्थाई पवने और दूसरी थी तीसरी थी स्थानीय पवन। ठीक है ठीक है, तीन हो गई, स्थाई पवने, सामयिक पवने और स्थानीय पवने। स्थाई पवने पहली है व्यापारिक पवने, दूसरी है पछुआ पवने और तीसरी है सा ध्रुवीय पवने। ठीक है, अब देखो आप पहली पवन की बात कर रहे हैं अपन, किसकी? स्थाई व्यापारिक पवन की। तो ये व्यापारिक पवन कहाँ बहती है? उपोष्ण भाग में बहती है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बहती है। इट मीन्स 30 से 35 डिग्री वाले भागों में ये क्या करती है? प्रभाव करती है। 30 से 35 डिग्री वाले भाग में जब प्रभाव कर रही है ये पवने, अपन बात करें प्राचीन समय की, तो प्राचीन समय में उपोष्णकटिबंधीय भाग में जो पालयुक्त जहाज थे, बड़े बड़े पालयुक्त जहाज थे, तो उनके माध्यम से क्या होता था? व्यापार होता था। और उस समय जो व्यापार हुआ करता था सर्वाधिक, वो हुआ करता घोड़ों का। तो उस पालयुक्त जहाज से क्या जाया करते थे? घोड़े जाया करते थे। और वो घोड़े जब ज़्यादा हो जाते थे, तो जैसे पालयुक्त जो जहाज था जो डूबने की कगार पर था, तब उसमें से उन घोड़ों को वहाँ पर क्या है, महासागर में पटक देते थे कि भाई जहाज नहीं डूबे, बाकी सब तो नहीं मरे, जो जाएंगे वो चले जाएंगे। इसलिए इस ये जो व्यापारिक जो पवने चलती हैं 30 से 35 डिग्री वाले भाग में, तो इस 30 से 35 डिग्री वाले भाग को हम अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं क्या है? व्यापारिक जो पवने हैं वो कहाँ? उपोष्ण वाले भाग में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? उपोष्ण वाले भाग में। क्या है? उच्च वायुदाब है, और उच्च वायुदाब से ये क्या है, निम्न वायुदाब की तरफ क्या होती है, प्रभाव चलती हैं। और यहाँ पर जो व्यापार वगैरह होता था वो पालयुक्त जहाजों से, तो मैंने आपको बता दिया कि 30 से 35 डिग्री वाले जो भाग है उसमें क्या है, पालयुक्त जहाजें चला करते थे और उनसे क्या होता था, व्यापार होता था। अब उनसे जब ये व्यापार हो रहा था, तो अगर उस नौका में यदि ज़्यादा वजन हो जाता था तो वो डूबने की स्थिति में पहुंचती थी, और जब वो डूबने की स्थिति में जब पहुंचती थी तो उस स्थिति में क्या है कि वो जो नौका है उनको हाँ, फिर आती है पछुआ पवन। तो पछुआ पवनों की बात बता देता हूं मैं, 40 से 50 डिग्री ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से, कहां चलती हैं? उपध्रुवीय वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। उपध्रुवीय वायुदाब पेटी इट मीन 40 से 50 डिग्री। अब देख ही लो आप, देख लो साहब, ठीक है जी, 0 डिग्री यहां तो क्या हो रहा था,
पांच पांच डिग्री वाला, और ये बना था तीस से पैंतीस, और ये बन गया साहब चालीस से पचास। ठीक, तीस से पैंतीस और ये चालीस से पचास। ठीक है, अब देखो आप इनकी जो स्थिति है, ये कहाँ बहती हैं, चालीस से पचास वाले पार्ट, चालीस से पचास वाले पार्ट। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी बहती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी बहती हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी बहती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं। इसको दक्षिणी गोलार्ध में, इसको दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहते हैं, क्योंकि इन पछुआ पवनों की जो गति रहती है वो क्या रहती है, तीव्र रहती है, तेज रहती है। अब जब तीव्र और तेज रहती है तो ये भाग तो पूरा क्या है, महासागरीय क्षेत्र हो जाता है, और महासागरीय क्षेत्र में इन पवनों का जो प्रभाव या अवरोध तो आते नहीं है, तो तेजी से प्रभाव होता है। यहां पर इनको चीखता चालीस चीखता चालीस और चालीस डिग्री को, और पचास डिग्री को भयंकर भयंकर पचासा पचासा, और साठ डिग्री को साठा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो गति थी वो गति क्या है, बहुत तेज होती थी। किनकी, पछुआ पवनों की, किनकी पछुआ पवन, किनकी है पछुआ पवन की। ठीक है, ये जो पछुआ पवन है आपको पता लग गया 40 से 50 डिग्री वाले पार्ट में क्या है, बहती हैं, और ये आपको मैंने मैप में उसमें पृथ्वी पर भी दिखा दिया है। ठीक है, अब आती हैं साहब ध्रुवीय पवन, क्या आती हैं ध्रुवीय पवन। तो ध्रुवों पर क्या रहता है, उच्च वायु दाब रहता है, क्या रहता है, उच्च वायु दाब रहता है। अब ये उच्च वायु दाब से नीचे की तरफ ही तो आएंगे, उपध्रुवीय भाग की तरफ, तो उच्च वायु दाब रहता है ध्रुवों पर, ध्रुवों से ये कहाँ उतरती हैं, नीचे की तरफ उतरती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, ध्रुवीय पवने कहा जाता है। जी जी, समझ में आया, क्या बोलते हैं उनको, ध्रुवीय पवने कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवने कहते हैं। ठीक है, हमने कहाँ से पढ़ा, पवन से, कहाँ से पढ़ा था, पवन से, कहाँ से, पवन से। तो देखो पवन को क्या है, जो जो पवने क्षैतिज रूप से, कैसे क्षैतिज रूप से क्या होती हैं, प्रभा होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, पवने कहते हैं, क्या कहते हैं, पवने। पवने मुख्यतः कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, स्थायी पवने, सामयिक पवने और स्थानीय पवने। स्थायी पवने वे पवने होती हैं जो पृथ्वी के घूर्णन से क्या है, इनकी उत्पत्ति होती है, और पृथ्वी के घूर्णन पर क्या होती है, निर्धारित होती हैं, इसलिए इन पवनों को ग्रही पवनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, फिर सामयिक पवन, अब ये क्या होता है, मौसम, समय या फिर दिन की अवधि के आधार पर क्या होता रहता है, इनका परिवर्तन होता रहता है, क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। सामयिक पवनों में जैसे अपन पढ़ेंगे घाटी समीर है, पर्वत समीर है, ठीक है, ऐसी जो पवने पड़ेंगे वो कहाँ पड़ेंगे, सामयिक में। स्थानीय पवने, लोकल जो स्थिति है, स्थानीय विशेष की जो स्थिति के आधार पर पवने क्या होंगी, प्रवाह होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे, हम स्थानीय पवने बोलेंगे। स्थायी पवने पड़ी तीन प्रकार की, व्यापारिक और पछुआ और ध्रुवीय पवने, व्यापारिक पवने क्या होती है, जो 30 से 35 डिग्री वाले अक्षांश मतलब उपोष्ण भाग में क्या होती है, प्रवाह होती है, और इनमें क्या है, पालयुक्त जो जहाज थे उनसे क्या होता था, व्यापार होता था। अगर उन पालयुक्त जहाजों में वेट बढ़ जाता था, वजन बढ़ जाता था, तो उनमें से उन घोड़ों को क्या कर देते थे, डाल देते थे महासागर में, इसलिए इसे अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। फिर आती हैं पछुआ पवने, ये पछुआ पवने जो होती हैं उपोष्ण वाले भाग से उपध्रुवीय वाले भाग की तरफ क्या होती हैं, प्रभा होती हैं, क्या होती हैं, प्रभा होती हैं। इसमें
क्या है 40 डिग्री पर चीखता हुआ चालीसा और 50 पर भयंकर पचासा के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी चीखता नहीं है, गरजता चालीसा, भयंकर पचासा और यह है गरजता चालीसा है, भयंकर पचासा है ना, सॉरी यहाँ गलती हो गई थी, ये ध्यान दे लेना। गरजता क्या है? चालीसा है, ठीक है, और भयंकर पचासा है। तो इनको जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि महासागरीय भाग में क्या कोई अवरोध रहता नहीं है और गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, तो ये तेज गति से चलती हैं, इसलिए ये क्या है, इनको इन नामों से जाना जाता है। और चीखता क्या है? 60 डिग्री वाले अक्षांश को क्या कहते हैं? चीखता साइटा के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाती है आपकी ध्रुवीय पवने, ये ध्रुवों से उपध्रुव की तरफ क्या होती है, प्रभा होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ध्रुवीय पवने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय पवने कहा जाता है, ठीक है। ये आपको मैं समझ रहा हूँ, समझ आया होगा पवने वाला टॉपिक, जिसमें से अपन ने पढ़ लिया है एक स्थाई पवने, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।